हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल होम गुरु। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लड्डू पीठी बनाने का तरीका, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है और बस एक दो स्टेप्स ही हैं जिनको फॉलो करना है और आपके लड्डू पीठियाँ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। व्यूअर्स, अगर आप इस तरीके से लड्डू पीठियाँ बनाएंगे, इस तरीके से बहुत मज़े की लड्डू पीठियाँ बनेंगी। व्यूअर्स, लड्डू पीठियाँ बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने यहाँ पे चने की दाल और माश की जो दाल है इनको ओवरनाइट भिगो के रखना है। यानी कि अगर आपने आज लड्डू पीठियां बनानी है तो आपने एक रात पहले जो है ये चीजें भिगो के रख देनी है। तो यहाँ पे जो माश की दाल है वो हमने ली है 1 कप। जितनी माश की दाल ली है उससे डबल क्वांटिटी में लेनी है चने की दाल। तो व्यूअर्स, इन दालों को बहुत अच्छे से क्रश करना है, इनको मैश करके इनकी एक पेस्ट बनानी है। यहाँ पे बस ये जो है स्टेप है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ी मेहनत इस स्टेप में करनी पड़ेगी, बाकी आगे बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे ये दोड़ी से बोलते हैं पंजाबी में, जिसमें ये डंडे के साथ इसको दालों को कूट रहे हैं ताकि ये बहुत ज्यादा अच्छी स्मूथ पेस्ट बन जाए। अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर में भी ये कर सकते हैं। इस स्टेप को करने के बाद जब हमारे पास बहुत ज्यादा स्मूथ पेस्ट बन जाएगी, अगर एक बार आप पेस्ट बना लिया तो उसके बाद दोबारा से फिर उस पेस्ट को घोटना है और बहुत ज्यादा स्मूथ पेस्ट बनानी है। व्यूअर्स, एक तरफ लड्डू पीठियों के लिए दालों को क्रश किया जा रहा है, उनको कूटा जा रहा है, और दूसरी तरफ लड्डू पीठियों के लिए मूलियां जो हैं वो कद्दूकश की जा रही हैं। लड्डू पीठियों के साथ मूलियों का सलाद बहुत मजे का लगता है, इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें तो बहुत मजे का लगता है। तो बस ये प्रोसेस जो है खत्म होने ही वाला है। हमने क्योंकि थोड़ी सेव भी करनी थी, थोड़ी ज्यादा बनानी थी तो इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। हमने थोड़ी फ्रीज भी करनी थी इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड्डू पीठियों को कौन फ्रीज करता है, तो वीडियो के एंड मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास पेस्ट जो है इसका वो बच गया है लड्डू पीठियों का, तो आपने उन लड्डू पीठियों को कैसे सेव करके रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप यूज कर सकें, ये वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी। तो हम भी बस थोड़ी सी ज्यादा बना रहे थे। लड्डू पीठी का जो मिक्सचर है इसमें थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करके, तो जिस तरह से पकौड़े बनाते हुए बेसन को बना लेते हैं थोड़ा सा पतला के उसे कढ़ाई के अंदर डालने के लिए आसानी रहे, उसी तरह से इसमें भी पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। व्यूअर्स, ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ना पतला हो ना बहुत ज्यादा थिक हो। तो बस अब इनको हम तलेंगे तो लड्डू पीठियां बन जाएंगी। इन्हें अगर और रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये भी कलर इनका ठीक है, ब्राउन सा हो गया। व्यूअर्स, लड्डू पीठियों के साथ जो चटनियाँ यहाँ पे हमने यूज़ की हैं वो मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे। इन दोनों चटनियों की रेसिपी मैंने वहाँ पे बताई है, इमली की चटनी और साथ में जो ग्रीन चटनी बनाई है। घर की जो चटनियाँ हैं उनका स्वाद ही अलग है, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा और बहुत मज़े की इस तरह से चटनियाँ बनती हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और लड्डू पीठियों के साथ मूलियां यहाँ पे मैंने क्रश की हुई हैं, इनको कद्दूकश कर लिया है इनको, और ये हमारी लड्डू पीठियां रेडी हो चुकी हैं और अब हम लगे हैं इन्हें खाने। आप भी बनाएं और आप भी खाएं और इंजॉय करें।
जीतू व्यूअर्स, सबने लड्डू पिठियाँ खा ली हैं और सबने बहुत इंजॉय की हैं और सबको बहुत अच्छी लगी हैं और वाकई बहुत मज़े की बनी थी। जो घर की चटनियाँ होती हैं इनका तो मज़ा ही अलग होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत अच्छी लगेगी, यहाँ तो सबको बहुत अच्छी लगी है। तो इसके साथ ही मैं एंड पे एक टिप देना चाहूँगी कि जैसा कि ये जो मिक्सचर हमने बनाया था दालों का, दालों को वो करके मैश, तो उस मिक्सचर को जिस तरह से ये पीठियाँ हम बना रहे हैं, तो ये पीठियाँ और ये वाली, ये जो थी ये बच गई थी, ये किसी ने नहीं खानी थी। तो इसका हमने क्या किया है कि हमने पीठियाँ बना ली हैं, लड्डू पीठियाँ, लेकिन इनको फ्राई जो किया है वो बहुत लाइट फ्राई किया है, क्योंकि हमने इनको अब स्टोर करना है, तो इनको अब फ्रिज में हमने स्टोर करना है। तो इस तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद कुछ देर बाहर रखेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। तो इनको किसी भी बंद डिब्बे में डाल के तो हम फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से रखी हुई जो लड्डू पीठियां हैं इनको 2 से 3 हफ्तों तक रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगी। और जितनी फिर यूज करनी है बाद में उतनी निकाल के उनको फ्राई कर लें। लड्डू पीठियों की उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स, न्यू रेमेडीज के साथ, नए चैलेंजेस और ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। स्टे ब्यूटीफुल, यंग एंड हेल्दी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।